हाय एवरीवन, वेलकम टू डीवा ब्लॉग्स। सो टाइटल्स और थंबनेल से आपको पता चली गया वीडियो का टॉपिक। सो बेसिकली मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ व्हाई आईटी एम्प्लॉयज़ आर रिजाइनिंग नाउडेज। जनरली जो एट्रिशन रेट होती है वो लगभग 10 से जो है बिलो ही होता है, लेकिन अभी का सिचुएशन ऐसा है कि आप जो है बहुत सारी कंपनी में देखेंगे कि ये 25, 30, 35+ तक जा चुका है। तो मैं मेनली जो है सबसे हाईएस्ट एट्रिशन रेट अगर बात करूँ तो सीटीएस का, यानी कॉग्निजेंट का है, जो कि 32 to 33% जो है एट्रिशन रेट रहा है लास्ट क्वार्टर्स में। सो डिस्कस करते हैं क्यों इतने लोग जो है आईटी एम्प्लॉयज़ जो है क्यों रिज़ाइन कर रहे हैं, क्यों जो है एट्रिशन रेट इतना बढ़ गया है, क्या ये जॉब सीकर्स के लिए बेनिफिट है या कंपनी के लिए बेनिफिट है, ये सब जो है आप लोग को सिंपल वे में डिस्कस करूंगा। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले कुछ स्टैट्स की बात कर लेते हैं, लाइक कितनी कंपनीज जो है क्या एट्रिशन रेट अभी चल रही है। तो सबसे मेन जो अभी लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो सर्विस बेस्ड कंपनी है उसके बारे में अभी बताने वाला हूँ। तो टीसीएस का सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ, उसका जो एट्रिशन रेट अभी चल रही है वो 11 to 12% अभी चल रही है। जनरली अगर आप पूछे कि एट्रिशन रेट एट लाइक व्हाट एट्रिशन रेट इज़ गुड, लाइक अगर पूछे तो ये जो है अराउंड 10% और बिलो 10% होना चाहिए किसी भी कंपनी का एट्रिशन रेट। तो अभी फिलहाल के सिचुएशन में जो है टीसीएस की बात करें तो अप्रॉक्स जो है 45 to 50,000 इम्प्लॉयज़ जो है रिज़ाइन दे चुके हैं लास्ट क्वार्टर्स, और बहुत सारे रीज़न हो सकता है, वो सब डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। टीसीएस के अलावा इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस की लगभग जो है 15% जो है एट्रिशन रेट चल रही है। सो इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका बेनिफिट क्या हो सकता है आपके लाइफ में या फिर कंपनी के बेनिफिट है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका बेनिफिट यही है कि आप अगर देखें तो लेट्स से मैं एग्जांपल मार्केट का शेयर मार्केट का लेता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे जब से जो है लॉकडाउन जो है ओवर हुआ है, और लॉकडाउन क्या, जब से जो है लगभग 2-3 महीना ही जो है डाउन रहा था इकोनॉमिक जो है, 2-3 महीना मैक्स टू मैक्स जो है 4 महीना किसी किसी स्टॉक को जो है लगा था डाउन डाउन हुआ था। बाकी जो है अभी आप देखेंगे तो कोई भी शेयर जो है अभी माइनस में नहीं जा रही है, वो जो है प्लस में ही वो मूव कर रही है, यानी कि मार्केट जो है अभी फुल ऑन हाई पे है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है ये उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि लेट्स से मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, लेट्स से आप किसी के लिए वर्क करते हैं, लेट्स से कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं और आपको जो है अराउंड लेट्स से मैं 5 लाख का पैकेज मानता हूँ कि 5 लाख अप्रॉक्स जो है एलपी आपको मिल रहा है, यानी कि जो भी आपका पर एनम जो सैलरी होता है वो 5 एलपी है। अगर आपको मैं बोलूँ कि लेट्स से आप मेरे कंपनी में ज्वाइन कर जाओ, आपको जो है अराउंड 150% 120% हाइक दे दूंगा, तो क्या आप ज्वाइन नहीं करोगे? ऑब्वियसली अगर आप जो है ज्वाइन करोगे तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, रीज़न इसका यही हो सकता है कि जिस भी कंपनी के लिए आप वर्क कर रहे हैं या फिर जो भी कंपनी आपको दे रही है, लेट्स से आपको 150% हाइक 200% हाइक जो भी कंपनी दे रही है उसको कुछ बेनिफिट है तभी तो दे रही है, उसको रिक्वायरमेंट है उतने इंप्लॉयज़ की, तभी आपको जो है वो हायर पैकेज में जो है आपको अभी ले रही है। बिकॉज अभी जो मार्केट बूम पे है तो वो जो जितना भी बिजनेस होता है, जितना भी कंपनीज़ की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, लेट्स से जो भी लेट्स से टीसीएस जो है पर्टिकुलर जो है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंपनी के लिए जो है सर्विस प्रोवाइड करती है, तो जिसके लिए वो सर्विस प्रोवाइड करती है वो कंपनीज़ जो है अभी लेट्स से वो बेनिफिट में है और उनको जो है रिक्वायरमेंट है, लेट्स से मोर एंड मोर पीपल का रिक्वायरमेंट है, मोर सॉफ्टवेयर डेवलप करने का रिक्वायरमेंट है, मोर डेटा को एनालाइज करने का रिक्वायरमेंट है, तो इसके हिसाब से जो है आपको जो है हायर करेगी ही करेगी। अभी आप अगर देखेंगे तो अप्रॉक्स जो है 1 लाख जो है इंप्लॉयज़ अभी फिलहाल में सीटीएस में जो है अभी रिक्वायर्ड है। मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, 1 लाख एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो है अभी सीटीएस में रिक्वायर्ड है। अगर फ्रेशर की बात करें तो अप्रॉक्स जो है 50,000-40,000 जो है अभी फिलहाल के लिए जो है रिक्वायर्ड है इस सीटीएस में। तो अभी जो देखेंगे मोर एंड मोर बिजनेस जो है अभी आ रही है सर्विस बेस्ड कंपनी के ऊपर और वो जो है हायर करना चाहती है अपने जो है इंप्लॉयज़ को, रिसोर्सेज को जो है बढ़ाना चाह रही है। तो एट्रिशन रेट का कारण ये भी है, प्लस एट्रिशन रेट का कारण अनदर है कि अभी जो है सिचुएशन जैसा चल रहा है, जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसा बिजनेस अभी डेवलप हो रहा है उसके हिसाब से जो है अभी सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करूँ तो सर्विस बेस्ड कंपनीज जो है अभी फिलहाल के सिचुएशन में अप टू 200% तक हाइक जो है आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आप सोच सकते हैं जो कि 100% तक लेस देन 100% तक मैं सुना हूँ कि हाइक मिलता है सर्विस बेस्ड कंपनी में, लेकिन अभी फिलहाल का सिचुएशन जो है आप देख ही सक रहे हैं, वो जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को भी लगभग जो है टच कर चुकी है जो भी हाइक वगैरह प्रोवाइड करती है। तो इस सिचुएशन में जो है कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदी हो, जो भी इम्प्लॉय है वो चाहेंगे कि हाँ मुझे जो है अच्छी सैलरी, अच्छी वेजेस पे जो है किसी कंपनी में मैं वर्क करूं। तो लेट्स से मैं खुद का एग्जांपल बताता हूं, तो मैं जो हूं किसी पर्टिकुलर एक्स कंपनी के लिए जो है पहले वर्क कर रहा था, आफ्टर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन आई रिजाइन फ्रॉम दैट कंपनी। सो मैं यहां पे ज्वाइन किया आफ्टर गेटिंग
लगभग जो भी है नॉर्मल से ज़्यादा ही हाइक मुझे मिला है, और उसके हिसाब से जो है मैं डिसाइड किया लेट से मुझे ये कंपनी में ज्वाइन करना है, और वो कंपनी जो है मैं रिज़ाइन दिया। तो इस तरह जो है आपको भी अगर किसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं और आपको अगर अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा मिल जाता है तो आप भी चाहोगे कि हाँ मैं वहाँ पर ज्वाइन करूँ। तो ये बेसिकली ये रीज़न अभी चल रहा है, मार्केट अभी बूम पे है और आपको जो है बेटर बेटर अपॉर्चुनिटी जो है मिल रही है। कुछ साल पहले अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर मंथ में जो है पर्टिकुलर कंपनी की जो है ओपनिंग्स निकलती थी, लेकिन अभी का सिचुएशन ऐसा है कि आपको एवरी टाइम एवरी मंथ लगभग एवरी मंथ क्या एवरी वीक आप जो है देखेंगे कि नया अपॉर्चुनिटी जो है पर्टिकुलर कंपनी के लिए आई है। खासकर मैं लेटरल एंट्री की बात करूंगा, फ्रेशर्स की थोड़ी कम है लेकिन है, बहुत ज़्यादा अभी है। लाइक पहले के केस में ऐसा होता था कि पर्टिकुलर मंथ में लाइक मार्च से लेकर के सेप्टेम्बर अगस्त तक जो है रिक्वायरमेंट होती थी, इस बीच में जो है रिक्रूटमेंट होता था, लेकिन अभी जो है सालों भर जो है रिक्वायरमेंट अभी जारी है और जो है फॉर्म्स वगैरह आ रही है और बहुत सारे फ्रेशर्स एम्प्लॉयज़ जो है हायर हो रहे हैं। तो ये जो है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप आईटी में वर्क करना चाहते हैं तो ये जो आपका पीरियड है बहुत ही खास पीरियड है, आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन करें और अप्लाई करें। बहुत सारी कंपनी में जो है आप अप्लाई करें, जो भी जितना भी रिक्वायरमेंट निकलती है रिक्रूटमेंट निकलती है आप अप्लाई करें, अपना लक जो है आजमाएं। अगर आपके पास अच्छा स्किल्स है श्योर मैं दे देता हूँ 90% चांसेस है आप जो है सेलेक्ट हो जाएंगे जिस भी कंपनी में बैठेंगे। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, आप जो है प्रिपरेशन कीजिए, अभी का सिचुएशन बहुत अच्छा है नौकरी लेने के लिए, आप जो है आईटी में ईजिली जो है आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा लाइक कैसे जो है आप मैकेनिकल है इलेक्ट्रिकल है या फिर किसी भी ब्रांच से जो है ग्रेजुएट हुए हैं और आपके पास जो है स्किल्स नहीं है कोडिंग का फिर भी जो है आप जाना चाहते हैं आईटी में तो कैसे जा सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं एक चीज़ और बताता हूँ, व्हाइल यू गेटिंग हाइक डोंट बी लाइक टू ग्रीडी। लाइक लेट्स से आपको जो है 180%, 200%, 250% इवन बहुत किसी को जो है 200% तक हाइक मिला है मेरी जान पहचान में। तो लेट्स से आपको जो है इतना तक हाइक मिल रहा है तो उस समय जो है ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से आप जो है पर्टिकुलर कंपनी के लिए जा रहे हैं और आपको जो है वहाँ पे 180% हाइक मिला है, आप दूसरी कंपनी में भी सिलेक्ट हो गए, वहाँ पे आप शो करेंगे कि मुझे जो है इससे ज़्यादा हाइक दीजिए, तो इस सिचुएशन में ना फंसे। लाइक ऐसे सिचुएशन में आप जो है बाद में जब मार्केट जब बैलेंस होगी तो उस समय जो है मे बी आप जो है थोड़ा थोड़ा ले ऑफ के कैटेगरी में जो है बिलोंग कर सकते हैं, बिकॉज आप जो है हाइस्ट पेड अभी के सिचुएशन में है तो उस टाइम पे उनको जो है मे बी लोअर पेड पे जो है सेम बेटर बेटर एम्प्लॉय जो है आपका रिप्लेसमेंट जो है मिल जाता है, देन आपको जो है ले ऑफ कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इस सिचुएशन से बचे, जो भी है आप अडॉप्ट कीजिए, जो भी सिचुएशन है लाइक जितना भी इंक्रीमेंट हो रहा है अच्छा खासा आप ले लीजिए, डिसाइड कीजिए और बस एंजॉय कीजिए लाइफ को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।